नमस्कार, घटनाचक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ खास है एजेंडे में। मोदी सरकार का पूरा हुआ एक साल, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गिनाई कामयाबियां। कहा, खत्म हुआ अंधविश्वास, बेदाग रहना बड़ी कामयाबी। कांग्रेस ने भी जारी किया मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, कहा टोटल फेल हुई है सरकार। और सरकार की सालगिरह के मौके पर अमित शाह का बयान, कहा 370 सीटें मिलेंगी तभी बनेगा राम मंदिर। बड़ा सवाल, क्या यू टर्न ले रही है सरकार? चलिए तो आज जो है एक साल पूरा हो चुका है नई सरकार का, मोदी सरकार का, एनडीए सरकार का। तमाम एक हफ्ते से हम लगातार इस बात पे हम बातचीत कर रहे हैं, क्या एक साल में मिला है, क्या नहीं मिला है, किन चीज़ों पे काम होना चाहिए। आज एक साल पूरे हो गए हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू कराएं। उससे पहले आज अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए जरा सबसे पहले वो सुनाते हैं उनके कुछ एक बयान। सरकार के कामकाज के इवैल्यूएशन के कई तरीके होते हैं, कोई आंकड़ों से करता है, कोई सिद्धियों से करता है, मगर मैं मानता हूं कि सरकार की प्रमुख सिद्धि अगर कोई है तो इस देश में से विश्वास के संकट को कि जो हुआ था उसको इस सरकार ने समाप्त कर दिया। देश की संसद में वित्तीय अनियमितताओं के लिए पहली बार सजा का प्रावधान करने वाला कानून लेकर मोदी सरकार आई है। आजादी के बाद पहली बार एक कानून ऐसा बना है जिसमें वित्तीय अनियमितताओं के लिए सजा का प्रावधान किया है और वो काले धन के लिए किया है। ये कानून बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जनधन योजना की घोषणा की और आज देश के 15 करोड़ फैमिली के अंदर बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया गया है और अर्थतंत्र का फायदा अब उनके पास पहुंचने की शुरुआत होगी। और इस बजट के अंदर देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे मध्यम वर्ग के है, लोअर मिडिल क्लास के है या गरीब है, सबके लिए 12 रुपये के अंदर 2 लाख रुपये का एक्सीडेंट बीमा महीने के 1 रुपये के प्रीमियम से और दिन के 1 रुपये के प्रीमियम से 330 रुपये के प्रीमियम से 2 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अटल पेंशन योजना के माध्यम से सिर्फ सरकारी कर्मचारी जो पेंशन को प्राप्त करते थे उसकी जगह गरीब, किसान और रिटायर्ड मजदूर भी इस पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। ये सरकार विजिबल सरकार रही है। पहले सरकार को ढूंढना पड़ता था, कई दिनों तक आप लोग पुकार लगा रहते थे भाई, तब जाकर एक आधा स्टेटमेंट कहीं कोई कोने से आता था। चलिए तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। सुनीत चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता सीपीएम के हमारे साथ मौजूद हैं, रमेश चंद्रतन जी नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, एससी महेश्वरी साहब नेता कांग्रेस पार्टी के और रामनाधार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं नेता कांग्रेस पार्टी के। तो आज कांग्रेस के दो दो दिग्गज नेता हमारे साथ मौजूद हैं, तो बीजेपी को अपना पक्ष जो है वो थोड़ा मजबूती के साथ रखना होगा। चलिए शुरुआत जरा सीपीएम के साथ करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे चोपड़ा साहब, कैसे जज करेंगे आप एक साल को, तमाम चीज़ों, तमाम वादे, तमाम उस पर अगर क्राइटेरिया पर कसा जाए इसे एक साल को, तो क्या लगता है कि हाँ वाकई में कुछ हुआ है या कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है आपको? अभी तक जहां तक गरीबों का सवाल है वहां तो पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है। मनरेगा कानून अब 37 दिन से कम होता जा रहा है और मनरेगा कानून को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है और सरकार ने यह भी कहा है कि मनरेगा कानून को 500 ब्लॉक तक सीमित रख देना है। इसके अलावा जो भूमि अधिग्रहण कानून था, पूरे जनतांत्रिक परंपरा को खत्म करके 3 बार वो अध्यादेश सामने आया पार्लियामेंट के, और खुशी की बात है कि जनता ने मोदी सरकार को सिखा दिया कि ये काम हम होने नहीं देंगे और इसको पार्लियामेंट्री कमेटी को जाना पड़ा। आज तक जो खाद्य सुरक्षा कानून है उसका कुछ नहीं हुआ और
दो साल हो गए हैं खाद्य सुरक्षा कानून का कुछ नहीं हुआ है और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी प्राइवेटाइज करने की पूरी योजना सामने आ रही है। इसके साथ साथ जो सबसे खतरनाक चीज हुई है वो ये है कि बाल श्रमिकों का जो कानून है उसको बदला जा रहा है और कहा जा रहा है कि जहां पर वो परिवार के साथ काम करते हैं जैसे कि कृषि में, अधिकतर बाल श्रमिक कृषि में ही है, और ये फैमिली का डेफिनेशन क्या होगा? मैं कहूंगा कि मैं इन बच्चों का चाचा हूं तो मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता रहूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि स्कूल के बाद हैजर्डस काम में भी जा सकते हैं, तो हम अपने बच्चों को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं लोगों का पैसा बनवाने के लिए। और जहां तक पैसे की बात है, गडकरी साहब के जो रिपोर्ट है सीएजी की वो ही आप देख लीजिए, और एक मंत्री हैं, कहा गया मुझे बताया गया कि एक मंत्री हैं जिनके 50,000 रुपए गायब हो गए थे, पुलिस को 5 करोड़ मिले तो उनको 4,50,000 वापस देने पड़ गए। उन्होंने कहा जी जी ये मेरा पैसा नहीं है, मेरे तो 50,000 ही हैं। तो हम देखते हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो होने रही जो पहले हो रही थी। इसके साथ साथ जो मुख्य चीज है, इतनी भारी बात की गई थी कि सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे जब काला धन आएगा। अब हमने सुना है कि सिर्फ 2 महिला के नाम आए इनके पास। तो मेरा ये कहना है कि इन्होंने अपने आप को दिखाया तो बहुत, ये सही है, ये सरकार दिखती रही लेकिन किया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं। चले ठीक है, बीजेपी से भी पूछेंगे लेकिन पहले जरा कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया ले ले। आज कांग्रेस की तरफ से एक साल देश बदहाल ये किताब लॉन्च की गई है, मेरे पास है, और इसमें तमाम चीज़ों को लेकर के निशाना साधा गया है। रामाधार जी, बड़ बोले भाषण और झूठ की भरमार ऐसी रही मोदी सरकार, कश्मीर को लेकर के भी जिक्र किया, बहरी सरकार नहीं सुनती किसान की पुकार ऐसी रही मोदी सरकार, उद्योग ठप ठंडा व्यापार ऐसी रही मोदी सरकार, ये तमाम चीज़ों को लेकर के निशाना साधा गया है। कैसे देख रहे हैं आप एक साल को? आपसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर के, इन एक साल को अगर जज करना हो पॉजिटिव और नेगेटिव पे आप कैसे देखेंगे? देखिए, अब इस देश की जनता बड़ी भोली है, मतदाता यहाँ के बड़े भोले हैं। बीजेपी ने चुनाव के पहले 272 प्लस मांगा था और देश की जनता ने इनको 272 प्लस दे दिया। अब जो यू टर्न सरकार और ये सारी बातें हो रही हैं, इसके ऊपर बिंदुवार अगर देखें तो आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धारा 370 पर सीधे सीधे यू टर्न ले लिया। इन्होंने कहा कि हमें 2/3 बहुमत मिलेगा तब हम कोर मुद्दों पे जाएंगे। राम मंदिर पर इन्होंने यू टर्न ले लिया। चलो हमारा दूसरा मुद्दा, उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे, अभी बाकी चीजों पे बताइए। तो काला धन पर इनकी चाल बिल्कुल धीमी है। रोजगार के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा था उस पे धन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में कैग ने इनके एक भारी भरकम मंत्री के ऊपर आरोप लगाया और ये लोग उसके ऊपर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अभी जैसा चोपड़ा साहब ने कहा, एक मंत्री ने 50,000 रुपए चोरी की रिपोर्ट लिखाई और रिकवरी जब हुआ, चोर को पकड़ा गया तो 5 करोड़ रुपए बरामद हो गए। तो ये तो मैजिशियनों की सरकार है। विकास धरातल पर बिल्कुल शून्य है, केवल विकास की बातें हो रही हैं। मुझे इस देश में, मैं लगभग 7-8 राज्यों में पिछले 2 महीनों में मैं घूमा हूं, कहीं पर विकास हमें जमीन पे देखने को नहीं मिला। विद्युत उत्पादन के बारे में कल मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भाषण सुन रहा था मथुरा में, उन्होंने कहा कि एक साल में मैंने दुगुना कर दिया विद्युत उत्पादन, और किया कि नहीं किया? 30 साल में इतना नहीं हुआ था। हाँ, उतना हमने कर दिया 30 साल में। अब ये बताएं, भाजपा के प्रवक्ता हमारे मित्र यहाँ रमेश जी हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, ये बताएं कि पिछले एक साल में देश में कौन सा पावर प्लांट एस्टेब्लिश हुआ या इनॉग्रेट हुआ? कोई भी नहीं हुआ। अंतरिक्ष के मामले में उन्होंने ये बताएं कि कोई भी उपग्रह या यान बनाकर पिछले एक वर्ष में भेजा है इस सरकार ने, भारत ने? नहीं भेजा है। महंगाई दर घटी है, ये मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन महंगाई नहीं घटी है, महंगाई अभी भी बढ़ रही है। जो पहले 6 बीच के महीनों में बरसात का मौसम था या खेती बाड़ी का नुकसान जिस समय हुआ था, उस समय 6% की दर से बढ़ रही थी, अभी 4% के दर से बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है। महंगाई दर भले ही घटी हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, क्रूड का मार्केट में 50% रेट कम हो गया, और ये जो है मात्र अभी 3-4 रुपए पर लीटर उपभोक्ताओं को उसका फायदा मिल रहा है। कमोबेश मुझे लगता है कि ये UPA 3 की सरकार के
नक्शे कदम पे यह सरकार चल रही है। बीमा के क्षेत्र का बहुत ढोल पीटा जा रहा है। जीआईसी की सब्सिडियरी कंपनी पहले भी बीमा के क्षेत्र में एक्सीडेंटल बीमा का काम करती थी। अब प्रधानमंत्री महोदय सार्वजनिक सभा में अब कफन के दाम का विवरण दे रहे हैं। ये सारी चीजें निश्चित रूप से इनकी हताशा को और कुछ न कर पाने की खीज को दर्शा रहा है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि तमाम जो है पॉलिसीज जो है वो सही दिशा में जा नहीं रही है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं यूपीए 3 की तरह काम करे, तो क्या ये मान रहे हैं कि यूपीए 3 में भी पॉलिसी पैरालिसिस था? यूपीए नहीं, मैं ये टू में हाँ, आपने कहा यूपीए 3 है ये हाँ, तो इसका मतलब सरकार काम नहीं करी। यूपीए 2 ने जो नीतियां बनाई थी उन्हीं सब नीतियों को ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसको ऐसे प्रचारित कर रहे हैं कि जैसे हमने ये एक नया कोई ढूंढ के जिन हमने ला दिया है। चलिए किसानों के लिए भी लोगों ने कुछ नहीं किया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक है, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद बीजेपी से जानेंगे आखिर में इन तमाम सवालों के जवाब क्या है उनके पास। घटनाचक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नई सरकार के एक साल पूरे हुए हैं, क्या कुछ लेखा जोखा है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हम बातचीत सुन रहे थे राम आधार जी की, जरा इससे आगे चर्चा को बढ़ाएं। उससे पहले बाकी कांग्रेस के नेता की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो बयान हम आपको सुनाते हैं। आज आपको बता दें कि बाकायदा बुकलेट जारी की गई और उसका शीर्षक दिया गया एक साल देश बदहाल। क्या कुछ कहा गया इस लॉन्च पे वो भी सुनिए जरा। साल भर पहले मोदी सरकार ने देश आई दे मोदी सरकार देश और दुनिया के सामने अब एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनकर रह गई है। भाजपा और मोदी जी एक बार फिर इस देश के लोगों को बड़े जुमलों और ब्रांडिंग की बाजीगिरी के साथ उलझाने की फिराक में। अगर वाकई में कुछ काम किया होता तो मोदी जी को मथुरा जाकर, पूरे मंत्रिमंडल को देश भर में जाकर और सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर 200 रैली और 2000 प्रदर्शनी ना करनी पड़ती, क्योंकि मोदी जी का काम अपने आप में बोलता। क्लेम मेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, दे क्लेम्स दैट runaway prices, number one, runaway prices were immediately brought under control. Now my counter charge is that the first gift, anniversary gift by Honorable Prime Minister was increase in petrol and diesel by rupees 313 and 220 respectively. Then pulses and milk are costlier. Pulses are settling at 120 rupees kg, milk at rupees 50. The prices of fruits, vegetables and meat are skyrocketing. Rail fare is costlier, passenger fare is costlier by 14%. Freight is costlier. Cement freight rates have increased by 2.7%. Scrap and pig iron rates have hiked by 3%. जो उनके इसमें यानी प्रणालिका में मैनिफेस्टो में नहीं थे उन चीजों को उन्होंने ज्यादा जोर दिया, क्योंकि दूसरे चीज जो उन्होंने वायदा किया था अगर वो वायदा पूरा करने के लिए उनके पास जब पैसे नहीं होते तो नए नए तरीके उन्होंने निकाले, जैसा कि स्वच्छ भारत। उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक स्लोगन दो और सारे देश में फैलाओ, स्वच्छ भारत का अभियान चला।
चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश्वरी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं तमाम अलग जो आपके पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उनको हमने सुना किस तरीके से वो एक साल पे तमाम बातें जो कह रहे थे, आप कैसे देख रहे हैं इस एक साल को? नहीं, कोई कॉन्क्रीट उपलब्धि ऐसी नहीं है कि जिस पे भाजपा फख्र कर सके जी। उस वक्त कहा गया कि देखिए मोदी जी के आते ही पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, जबकि वजह और थी, क्रूड ऑयल की प्राइस कम हो गई थी, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा करने में जरूर माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। आज फिर वही पोजीशन आ गई है पेट्रोल डीजल की, फिर वही कीमतें आ रही हैं। दालों का जरा हिसाब देख लीजिए, दाल क्या भाव मिल रही है, तो कोई न महंगाई में है, लेकिन चले जो फॉरेन लैंड पे जी 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 जाके ये भाषण दिए हैं जी, वो मैं समझता हूँ बहुत अपमानजनक है। वो भारत की जनता का अपमान है कि आप फॉरेन लैंड पे जाके कोई पॉलिटिकल भाषण करें। ये कभी कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं करते। हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते कम थे, काम ज्यादा करते थे। ये बोलते ज्यादा है, काम कम करते हैं, ये फर्क है कांग्रेस में इसमें। और एक सबसे बड़ा जो मैं समझ रहा हूँ एक साल में ट्रेंड आ रहा है, आप यहाँ का भी दिल्ली सरकार और इनकी कंट्रोवर्सी जो है जी, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा जी, हमारा यूनियन स्ट्रक्चर नहीं है। और जिस तरीके से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके 3-4 डायरेक्टर हैं वो चला रहे हैं गवर्नमेंट, तो ये बड़ी मैं समझता हूँ कि सोचनी है। चलिए, इन सब तमाम चीजों पर राय लेते हैं रामाधारी से। रामाधारी जी, किसानों को माफ कीजिएगा, रमेश जी से राय लेते हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक साल में किसानों की ना तो खुदकुशी रुकी है, 100 स्मार्ट सिटीज का वादा हुआ था, उस दिशा में क्या काम हो रहा है अभी, कुछ कब तक बनेगी, नहीं बन पाएगी, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है पता नहीं है, बुलेट ट्रेन को लेकर के अभी स्टडी चल रही है, शैक्षिक संस्थाओं को लेकर के कोई ऐसा नहीं है कि एजुकेशन को लेकर कोई बहुत ज़्यादा बजट बढ़ाया गया हो, तो जो इतना हंगामा हो रहा है एक साल को लेकर के जश्न मनाया जा रहा है, आपको लगता नहीं है कि काम उतने हैं नहीं जितनी बातें कही जा रही हैं? पहले तो ये लेफ्टिस्ट और अपने दोनों कांग्रेस के साथियों को जानकारी दे दूँ कि अभी कांग्रेस के लीडर्स जो है अभी बुकलेट निकाल करके लाए हैं और कंपनी का ब्रांडिंग मैनेजमेंट ये सारे सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं और यहाँ तक बोल रहे हैं कि झूठ फैलाने में भी माहिर हैं। मेरा एक कहना है कि बहुत आश्चर्य की बात है कि ये 60 साल का जो बदहाली थी देश में, अंधेरा छाया हुआ था, और ये कहते हैं सूट वूट, मेरा साफ कहना है कि सूट वूट तो छोड़ा, वो सूझबूझ है, लेकिन ये पार्टी कांग्रेस ये तो झूठ और लूट लुटेरों की पार्टी थी और प्राइवेट लिमिटेड मां बेटे की पार्टी थी, गैया बछड़े की पार्टी थी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी प्रोविजन नहीं है जिसको ये जो है इलेक्शन कमीशन से पार्टी को चला रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, जिस मनमोहन सिंह जी को काम करने की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को, वो तो बेचारा तीन गांधी जी के तीन बंदरों की तरह से हाल थे, ना बोलते थे, ना सुनते थे, ना कहते थे, ना मतलब कुछ आता ही नहीं था। आज जो है जहां एक वर्ष हुआ है और एक वर्ष में जो मैनिफेस्टो लेकर की पार्टी चली थी उसे पार्लियामेंट के सिस्टम से लेकर के उस सारे सिस्टम में जमीन पर उतारने का जो काम किया है, चाहे वो जनधन योजना हो और जो लीडरशिप, जो बोल्ड लीडरशिप हो, चाहे पेट्रो सिस्टम हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे दुनिया में साख का हो, मेक इन इंडिया का हो, 2020 तक सबका घर का सिस्टम हो, रेलवे की बेहतरी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, नमामि गंगा, ये आदर्श ग्राम योजना, ये सारे सिस्टम को एक बहुत आश्चर्य की बात है कि जिससे कह रहे हैं कि UPA 3 का ये प्रोग्राम था, UPA 3 के प्रोग्राम में क्या आपने एक रुपए के प्रतिदिन के और एक रुपए के महाशय योजना से ये सिस्टम को बनाया? क्या 15 करोड़ लोगों के खाते खुले? क्या गरीब को आज बैंक में जो कोई आईडी लाओ ये लाओ कोई पूछता नहीं था और आज गरीबों के आव हाव हो रहे हैं, कैंप खोल करके उनके सिस्टम को बनाया जा रहा है, जहां बैंक जो है अमीरों की बैंक बन गई थी आज गरीबों की बैंक का स्वरूप बन रहा है, बीमा पॉलिसी का स्वरूप बन रहा है, किसी योजना के तहत बना है, मुद्रा स्फीति का सिस्टम बदला है और ये महंगाई दर घटी है, विकास दर बढ़ी है,
सारे सिस्टम में मैं ये जानकारी दे दूं कि इन कांग्रेस के पास जो बदहाली का जो अंधों को जो अंधेरा नजर आता है, ये आज उनका जो है ये बुकलेट है उनकी है। अगर ये मैनेजमेंट हमारा है, ब्रांडिंग हमारी है, तो आज क्यों ब्रांडिंग पे उतर पड़े हो, क्यों सिस्टम में हमारे को उतर पड़े हो? और यूपीए 3 का अगर आपका सिस्टम ठीक था तो फिर आज कह रहे हो कि नकल क्यों कर रहे हो? तो आज ये सारा सिस्टम बौखलाहट है, क्योंकि ये सत्तासीन लोगों को जब सत्ता छिन गई है, 17 राज्यों पर 0 पर आउट हो गए हैं, तो खिशानी बिल्ली नाखून मारती है, इस सब का बुरी हालत है। ये मोदी जी के उस देश विदेश के दौरे को याद कर रहे हैं क्या? 56 दिन के अंधेरे को याद कर रहे हैं क्या? ये मीडिया इस देश का इतना सजग है कि मोदी जी के एक एक पहलू को इस देश के विश्व के रटपट पर दिखाया? क्या राहुल गांधी कहां सो रहे थे, क्या कर रहे थे, कौन सी दुनिया में जागरण कर रहे थे? क्या किसी देश को पता है ये अंधेरी दुनिया के अंधेरे लोग हैं और जनता इनको नंगा कर चुकी है, इनकी बदहाली, इनकी खुद बदहाली का दौर चल रहा है। मैं जरा सीपीएम से भी और कांग्रेस से भी एक सवाल, कुछ आंकड़े देता हूं और उसके बाद जो तमाम मैं कुछ थोड़ा आंकड़ों में विपुल जी, मैं 2 मिनट समय लेना चाहूंगा। ये सरकार 1 साल में जो काम की है उसको मैं क्रमवार जरा गिनवा देना चाहता हूँ। मैं आंकड़े दे दूं आपको कुछ? नहीं, मैं दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप भी उसको देखिए। 67% गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना जो लागू की गई थी वो 1.03 लाख करोड़ की योजना थी, उसको इस सरकार ने बंद कर दिया। ग्रामीण रोजगार योजना में 6,000 करोड़ से अधिक का भुगतान नहीं मिलेगा, अनेक जिलों को, देश के अनेक राज्यों के अनेक जिलों को बाहर कर दिया गया इस योजना से। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में 66,222 करोड़ की कटौती की गई। अनुदान निधि में 5,900 करोड़ की कटौती की इस सरकार ने। राष्ट्रीय कृषि योजना फंड में 7,426 करोड़ रुपए की कटौती की गई। पशुपालन व डेयरी विकास में 685 करोड़ रुपए की कटौती की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 8,152 करोड़ रुपए की कटौती की गई। बाल विकास बजट में 9,858 करोड़ की कटौती की गई। इवन अनुसूचित जाति जनजाति की योजनाओं में 20,000 करोड़ से अधिक की कटौती की गई। पंचायती राज की योजनाओं के बजट में 98.6% की कटौती यह सरकार करने जा रही है। निश्चित रूप से हमारे रत्न जी जो है वो सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अपनी सरकार का जोरदार ढंग से बचाव करने में ये सक्षम है, लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने बताया अगर इसमें से कोई एक भी चीज आप गलत बता दें, मैं बोल रहा हूं ना, गलत नोट करिएगा आप बताएं। जिस योजना के बजट की कमी का बात कर रहे हैं, आज सोने का काम कर रहे हैं कांग्रेस, आपका राहुल गांधी को सोने का काम था, ये डायवर्जन स्टेट को हुआ है बजट का, उस जो मानस दिखाई दे रहा है वो है, और आपकी कांग्रेस चाह रहा तो वो बना ली हालत है कि बजट के कोटे को लैप्स करा के खा जाते थे, और वो है कॉमनवेल्थ के गेम में शुरू कास्ट के सारे पैसे को खा करके जेल कटवाने का कांग्रेस काम कर रहे हैं, और वो है जवाहरलाल नेहरू जो पाकिस्तान से युद्ध होने पर जीप घोटाले को घोट करके और राजीव गांधी ने भरोसा लेकर के पूरा लूट पूट में काला चेहरा तक हो गया है कोयले के घोटाले में। तुम्हारी इतनी सकल बिगड़ चुकी है कांग्रेसियों को बोलने तक की इस स्थिति में नहीं हूं। चलिए मैं जरा कुछ और सवाल करता हूँ, मैं आपसे चोपड़ा साहब पूछता हूँ, ये जब तर्क समाप्त हो जाते हैं तो वॉल्यूम थोड़ा लाउड हो जाता है। मैं कुछ आंकड़े बात कर रहा था। 2013-14 में जीडीपी विकास दर करीब 6.9% थी, अभी आंकड़े 7.4% पर है। जो महंगाई दर है वो 8.33% थी, ये अब घटकर के 4.87% आई है। सेंसेक्स ने 2013-14 में 19% का रिटर्न दिया था और 2015 में 25% का रिटर्न दिया है। रुपए और डॉलर को अगर कंपेयर करें तो उस एक साल में 9.4% डेप्रिशिएट हुआ था, इस एक साल में 4.2% डेप्रिशिएट हुआ है। अगर डेप्रिशिएट यहाँ पर भी हुआ है लेकिन उसके मुकाबले कम हुआ है। IIP नंबर की बात करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, 0.1% था 2013-14 में, ये बढ़कर के 2.8% हुआ है। जो राजकोषीय घाटा था वो 4.4% था, अब वो 4% हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो 2,077 करोड़ डॉलर का एक साल में हुआ था 2013-14 में, और अभी तक 2,876 डॉलर का निवेश हुआ है। तो रामाधार जी, पहले आपसे ही मैं जानना चाहूँगा, ये आंकड़े तो ये दिखा रहे हैं कुछ चीज़ें तो बदली हैं, आप कैसे इनको जस्टिफाई करेंगे?
देखिए कुछ वो जो दौर था पिछला वर्ष जो था वो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी मंदी का दौर था, इस बात को सब लोग जानते हैं। तो जब मंदी के दौर से बाजार जब बाहर निकलता है तो निश्चित रूप से कुछ उसमें सुधार दिखता है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि इस सरकार ने चमत्कार कर दिया और उससे ये सारे सुधार आ गए। आज भी डॉलर का कीमत आज हमने न्यूज़पेपर में देखा है, मैं तो किसान आदमी हूं, डॉलर, सेंसेक्स, इन सब चीजों के बारे में मेरा ज्ञान बड़ा सीमित है। रमेश जी बताएंगे इन सब चीजों के बारे में या महेश्वरी साहब बताएंगे, मैं तो खाद्यान्न और आम आदमी से जुड़ी चीजों के बारे में जानता हूं। आज मैं अखबार में देखा हूं कि डॉलर का कीमत आज भी कुछ नीचे गिरा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर ये सारी चीजें हैं। हम कितना भी गाल बजा लें, कितना भी झूठ बोल लें, कितना भी तर्क दें, अंतरराष्ट्रीय जब बाजार का लिबरलाइजेशन हुआ है, मार्केट जब ओपन हुआ है, तो ये सारी चीजें वैश्विक हैं और उसी का प्रभाव ये परिलक्षित हो रहा है। चोपड़ा साहब, इन आंकड़ों पर आपकी राय। ये आंकड़े कोई नई चीज तो बता नहीं रहे जी, क्योंकि महंगाई बढ़ी है, अब बढ़ने की दर कम हुई है, बढ़ने की बढ़ रही है, लेकिन गरीब आदमी के लिए बढ़ी है। अगर आप जो गरीब आदमी 67% हिंदुस्तान की जनता जो गांव में रहती है उसके लिए बढ़ी है ना, तो इसमें आप नोट करेंगे कि जब जब आपकी सूखा पड़ रहा है, जब आपको पानी की जरूरत है, तो आपके डीजल की कीमत बढ़ाई गई, तो ये कहां का फायदा है लोगों के लिए। इसके अलावा जो नया कानून आया है, ये लाना चाह रहे हैं भूमि अधिग्रहण का कानून, अब ये कह रहे हैं सबको घर देंगे, दूसरी तरफ 30% खेती की जमीन ये लेना चाह रहे हैं अपनी सड़कें बना बना के। तो मेरा ये कहना है ये एक चीज नहीं करते हैं, एक चीज करते हैं तो उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं। हमारा ये कहना है ये आंकड़े, वही प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, भले उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है क्योंकि दुनिया में कुछ परिवर्तन आया है, लेकिन इनके किए काम से कोई परिवर्तन नहीं आया। महेश्वरी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या ये आंकड़े जो बोल रहे हैं, जो थोड़ा एक पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं, ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माहौल सुधारने की वजह से हुआ है? आपको नहीं लग रहा कि कोई बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है ग्राउंड पर? ये तो मार्जिनल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस है। सवाल ये है कि मथुरा के भाषण में मोदी जी ने एक लफ्ज काला धन पर नहीं कहा, जो पूरे पिछले साल मई में काला धन 15 लाख रुपए घर में पहुंच जाएगा, आज कहां बात हो गई, वो क्या हुआ उसका, जो आपने मुद्दे जिस पे आपको गवर्नमेंट आई आपकी, जो आपने आश्वासन दिए, उनके बारे में आज खामोश है, उसके बारे में कोई प्रगति नहीं है इस एक साल के अंदर। चले कुछ सवाल जरा आपसे पूछते हैं रमेश जी, एक चीज समझनी थी, वो ये चीज ये थी कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें इतनी कम हो रही थी उस समय आपने उस पर जो है कर बढ़ा दिया, तो जिस हिसाब से जो फायदा लोगों तक पहुंचना चाहिए था वो लोगों तक पहुंच नहीं पाया। बाकी जो तमाम आप योजनाएं बता रहे हैं, जैसे जनधन योजना का जिक्र किया, उसमें अभी भी 70% अकाउंट ऐसे हैं जो कि एक्टिव नहीं है। आपने बात की किसानों के लिए, अभी भी किसानों की MSP तो बहुत ज़्यादा बढ़ाई नहीं गई है, तो आत्महत्याएं हो रही हैं। एक साल में जो भी इनिशिएटिव उठाए, लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने कहा था रेल का कायाकल्प हो जाएगा, अभी भी ट्रेनें देरी से चल रही हैं, अभी भी खाने में की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, तो ग्राउंड पर चीज़ें नजर नहीं आ रही हैं। आप बातें तो बहुत कर रहे हैं लेकिन लोगों को इसका दिखाई नहीं दे रही वो चीज़ें कहाँ हो रही हैं। देखिए, एक तो रेलवे में जो योजना इनकी डंप पड़ी थी इनके पीरियड की, वो पुनर्जीवित हुई हैं, स्टार्ट हुई हैं। दूसरी चीज एक और है कि जहाँ तक ब्लैक मनी के बारे में बहुत बोला जा रहा है कि 15 लाख 15 लाख, एक चूंकि पार्टी के लीडर के साथ साथ मैं एक एडवोकेट भी हूँ, कांग्रेस के साथियों की एक बहुत बुरी बीमारी है कि मतलब ऑथेंटिक बात नहीं करते। इन्होंने भी काले धन की बात कही थी, लेकिन काले धन को लाने का एक प्रोसीजर इनके पास कहीं दूर दूर तक नहीं था, यहाँ तक कि SIT भी गठित नहीं कर पाए। काला धन लाने का एक सिस्टम है, प्रोसीजर है, बिना प्रोसीजर के काला धन नहीं आ सकता। एक ये कहा गया था कि हमारा इतना एवरेज धन है, अगर वो धन आता है तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका 15 लाख रुपए तक लोगों को प्राप्त हो सकता है, और उसको जो है एक दूसरा रूप दे दिया। आज भी मेरा कहने का है ये कि बिल पास हो गया ब्लैक मनी का और ये सारा प्रोसीजर एडॉप्ट होगा, और उसमें निश्चित किसानों के भी बड़ा स्पष्ट एक और भी चीज है कि किसानों के बारे में बार बार कह दिया कि भाई किसानों की जो कृषि भूमि है वो कृषि भूमि को जब तक सबसे पहले तो बंजर भूमि है, एक्वायर की हुई वो भूमि है,
और किसान भूमि जब एक बात आई इसको एक तो सरकारी कार्यक्रम सरकारी योजना सरकारी जनता के हित वाले उसके लिए एक्वायर होगी, किसी भी प्राइवेट किसी व्यक्ति के लिए एक एमएसपी बढ़ाने की बात हुई थी वो नहीं हुआ। ये सारा जो सारा सिस्टम है बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं और गति के साथ ही पूरा सिस्टम है, उसमें कहीं भी कोई व्यवधान नहीं है। और पुणे में बता रहा हूं कि मोदी जी का जो कथनी करनी पर बिल्कुल अंतर नहीं है। ग्राउंड पे चीजें कब तक दिखाई देंगी लोग ये पूछ रहे हैं। देखिए अभी आपके सारे चैनल पर सारे प्रिंट मीडिया में 60 साल का जो एक साल में जो है उसमें लोगों ने आकलन किया है, सर्वे आए हैं और उसमें सबने कहा है कि इसको जो एक साल के उसमें फेलियर नहीं कहा जा सकता। लेकिन चूंकि गति चूंकि लोगों की इच्छाएं अधिक है बिल्कुल और इच्छाएं अधिक है समय कम है और इच्छाएं जगाई भी आपने जगह बिल्कुल जगाई है उसको पूरा भी हम ही करेंगे पूरा भी हम ही करेंगे। और आपने एक साल के अंदर यह देखा होगा कि जिस गति और जिस जैसा कि अभी रामाधार जी कह रहे थे और अभी चोपड़ा साहब कह रहे थे बड़ी गलतफहमी के किसी के 5 करोड़ रुपए थे और 50,000 रुपए लेकर के वो वापस हो गए बिल्कुल ये हियर से बात का कोई महत्व नहीं है। दूसरी चीज एक और भी बात बता दूं कि आप कह रहे थे कि भाई जो है ये जो आपका जो कैग की रिपोर्ट आपने क्या गडकरी जी को नहीं सुना किसी भी टाइप का कैग ने उन पर कोई भी आरोप प्रत्यारोपण गडकरी जी के साथ नहीं है और बल्कि मैं भी बैंक का एडवाइजर रहा हूं बैंक के एडवाइजर होने के नाते उसमें क्लियर कहा कि भाई एक मुश्त जो चीज सेटलमेंट होता है एक मुश्त देने के बाद कोई भी ड्यूज किसी टाइप का नहीं बचता वो सारा एक नई चीज और बता दूं आज आपके सामने एक पहली भारत सरकार है अब तक किसी भी सरकार का कोई भी मंत्री जनता के बीच में आने का सिस्टम कभी नहीं देखा। प्रवक्ता बोलते थे तो पहली बार हुआ है कि जो हमने किया है जो हम कर रहे हैं उसे जनता जनार्दन के बीच में चाहे मथुरा हो चाहे देश का कोई कोना हो उसे साथ लेकर के जा रहे हैं और पारदर्शिता के साथ ही सारी चीजें होंगी। विदेश पर देखिएगा कभी भी जो मनमोहन सिंह जी या इनके पूर्व जवाहरलाल नेहरू जी या जो भी मैं किसी चीज को जवाहरलाल नेहरू जी से नहीं करता हूं लेकिन एक बात कहना चाह रहा हूं देश लगता है रामाधार जी मैं उस समय देश में रिसोर्स क्या था रमेश जी बहुत सारी चीजें थी। मेरी बात सुनिए मैं उसे ये नहीं कह रहा ऐसी तुलना करें एक बात कह रहा हूं जो कहीं से प्रासंगिक ही ना हो मैं वो नहीं कह रहा हूं मेरी बात नहीं सुन पाया। मेरा कहने का यह है कि 10 वर्ष के इनके पूर्व प्रधानमंत्री कहीं जो है कनाडा जापान कोरिया में जाते थे तो कहीं किसी कोने में कोई नजर नहीं आता था कि भारत कहीं है मैनेजमेंट नहीं करते थे 21,000 करोड़ का प्रस्ताव जो है मेक इन इंडिया में आ गया है। तो ये जो एक बहुत छोटा रिएक्शन रामाधार जी आपसे और महेश्वरी जी से मैं लूंगा और क्योंकि अगले विषय पर जाने का वक्त हो रहा है बहुत छोटा सा एक लाइन का मैं प्रतिक्रिया सवाल मैं भी कह रहा हूं कि ये इस परंपरा का तो स्वागत किया जाना चाहिए कि तमाम मंत्री तमाम नेता आकर के अपने काम का अगर हिसाब दे रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। अब इसको भी अगर हिसाब थोड़ी ना है मत है वो तो एडवर्टाइजिंग कर गाल वही बजाता है गाल वही बजाता है जो काम नहीं करता है। एक साल का मेन अचीवमेंट आज मैं अखबार में पढ़ा हूं कि अंबानी की संपत्ति घटी और इनके प्रिय उद्योगपति अडानी की संपत्ति बढ़ी ये आज मैं अखबार में पढ़ा हूँ। अडानी पिछले थोड़ी ना अडानी तो आपके पीरियड से भी महाराज अडानी को नया थोड़ी ना गया बताइए अगर अडानी अडानी है आपको लगता नहीं कि ये आपकी कमी रही आप कह रहे हैं कि ये लोग गाल वही बजाता है तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपने अपने कामों को नहीं बताया उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ा ना काम को नहीं बताया गया खामियाजा भुगता देश की जनता मालिक है उन्होंने निर्णय लिया इनकी बातों पे भरोसा किया कि मेरा जीवन स्तर और सुधरेगा। गाल तो ये पिछले वाजपेयी जी के दौर को याद करें इंडिया साइनिंग इंडिया साइनिंग इंडिया इज साइनिंग और रिजल्ट क्या हुआ रामाधार जी आप गाल बजने लायक होते आपको नकार दिया पूरी तरह से देश में क्या कुछ कहेंगे आप देखिए आप भी दो पर आ चुके थे अब ये जो बात आप जीप और ये वो घोटालों की कर रहे हैं उसके बाद चुनाव हुए थे और आप 2 सांसद आपके लोकसभा में चुन के आए थे 282 पे आ गए एक अगली बार फिर आप एक पे आ जाएंगे। फाइनल कमेंट बहुत छोटा सा 10 सेकंड नहीं बस इतनी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे साथी जी ने कहा कि ये UPA 3 है मेरा ये कहना है कि अगर मोदी साहब और इनकी पार्टी एकदम जाग नहीं जाते तो जो UPA 2 का हाल हुआ था वो 3 का भी होगा। चलिए फिलहाल इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद बात करेंगे। आज एक बयान दिया गया अमित शाह की तरफ से और कहा गया कि जो कोर मुद्दे हैं उसके लिए 370 सीटें चाहिए
तो क्या यू टर्न ले रही है सरकार, क्या फिर लोगों की जो उम्मीदें जगाई गई थी खासतौर से इन मुद्दों को लेकर के, तो पहले 272 प्लस अब 370 सीटें, इस पर चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। समय इस मुद्दे के लिए कम है, तो सभी हमारे खास मेहमानों से ये निवेदन रहेगा कि टू दी पॉइंट अपनी बातों को रखें, संक्षेप में रखें। कांग्रेस के साथ ही शुरुआत करते हैं। रामाधार जी, आपसे जानना ये चाहेंगे, आज जिस तरीके से बोला गया अमित शाह की तरफ से कि राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, इसके लिए हमारे पास नंबर नहीं है, लेकिन जब चुनाव आते हैं, लंबे समय से बीजेपी इसको जो है अपना मुद्दा बताती रही है, कोर मुद्दा बताती रही है, लेकिन आज अब 370 सीटें चाहिए, ये कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, इस बार के चुनाव में 2014 में इन लोगों ने 272 प्लस मांगा था। देश की जनता ने इनकी बातों पर भरोसा किया। धर्म भीरु देश है हमारा, यहाँ के लोग धार्मिक चीजों को महत्व देते हैं, हिंदू धर्मावलंबियों की संख्या यहाँ ज्यादा है। लोगों ने सोचा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर हो सकता है कि ये लोग बना दें, लेकिन अब इस तरह से जब धारा 370 और राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन तीनों मुद्दों पे ये सरकार यू टर्न ले रही है। सरकार ने तो नहीं कहा है, खैर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जैसी बात कही है, तो अब मुझे लगता है कि 370 अब मांग रहे हैं, 370 प्लस हो सकता है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो अगले चुनाव में 2019 में ये 70 भी ना पाए। आपसे जानना चाहेंगे रमेश जी, ये इस बयान का मतलब क्या है कि राम मंदिर का मुद्दा आप हर बार उठाते हैं, जब सरकार बनती है उसे भूल जाते हैं। पिछली बार गठबंधन की सरकार थी, अब आपकी अपनी सरकार है, अब आप कह रहे हैं नहीं हमको 370 चाहिए, फिर उसके बाद इस पर हम कोई बातचीत करेंगे। राम मंदिर के मुद्दे पर आपको कहाँ से 370 चाहिए? ठीक है, धारा 370 के लिए आपको 370 चाहिए तो समझ में आता है, जरा इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों को, और क्या ये वाकई में यू टर्न ले रहे हैं क्या आप अपने कोर मुद्दों से? देखिए, एक तो जब चुनाव होते हैं तो मीडिया के लोग कहते हैं कि चुनाव जब आते हैं तब इनका मंदिर का मुद्दा जो होता है, अब चूंकि वर्तमान में तो चुनाव नहीं है, अब किसी मीडिया के साथी ने पूछ लिया कि मंदिर का मुद्दा, तो मैं एक तो ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि 370 का जो सिस्टम है वो स्टेट के किसी सिस्टम में नहीं आता, और चाहे तो वो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े चाहे या एनडीए के साथ लड़े, मैनिफेस्टो में नहीं था, और मैनिफेस्टो में नहीं था तो उसका जिक्र तो भाषणों में कर रहे थे ना आप? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल जुमला था, बिल्कुल नहीं, जुमला था, जुमला, बिल्कुल नहीं साहब, गलत है, भाषणों में लगातार भाषणों में लगातार दिखता, टीवी इंटरव्यू में आपके गृह मंत्री जो बयान देते थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर या सेंटर में जब एनडीए के बेसिस पर हम चुनाव लड़े, जम्मू कश्मीर में भी जो है 370 का कहीं मैनिफेस्टो नहीं था। जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा, जब आपने केंद्रीय चुनाव लड़ा था, नहीं जब आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, आपके तमाम मंत्री जो इस समय मंत्री हैं, राजनाथ सिंह ने इस पर बयान दिया है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो अपनी रैलियों में बोलते हुए आए हैं, उन्होंने उदाहरण वहां के लोगों का दिया, और आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे को हमने चर्चा ही नहीं की कभी। देखिए, नहीं नहीं चर्चा हुई है, मेरा कहने का यह है कि जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम चुनाव लड़े थे तो इसलिए मैनिफेस्टो में नहीं था। आज जो है सरकार में हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हैं, लेकिन क्योंकि 2/3 मेजोरिटी आएगी तो 2/3 जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, कानून बनाने का जो सिस्टम है वो 2/3 मेजोरिटी को है पार्लियामेंट्री सिस्टम, और अब संवैधानिक बेसिस, संविधान का जब भी मान सम्मान करते थे आज भी करते, एक सिस्टम आएगा। राम मंदिर पे आपको दो तिहाई, राम मंदिर के मुद्दे पर दो तिहाई बहुमत क्या चाहिए आपको? 370 क्या उसके लिए भी चाहिए? ये मुद्दा तो आपके लिए, आपकी पार्टी को खड़ा किया इस मुद्दे ने, मंदिर वही बनाएंगे तो कहते कहते आडवाणी जी संन्यास के कगार पे पहुंचे हैं। आस्था का सवाल तब भी था, देश की आस्था का सवाल आज भी है,
लेकिन तो देश ने तो आपको दिया मैंडेट जिस टाइप का मैंडेट हमें मिला हमने उसका सम्मान किया, हमने संविधान का सम्मान किया, आगे भी अगर हमको मैंडेट मिलता है तो उसका हम सम्मान जरूर करेंगे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगले चुनाव में भी आप इसी मुद्दे को लेके फिर 300 जब चुनाव प्रचार होगा तो 370 बोलेंगे, राम मंदिर बोलेंगे, कॉमन सिविल कोड बोलेंगे, सवाल है। और मैंडेट अगर जनता हमको देती है मैंडेट का सम्मान करेंगे, आज भी सम्मान कर रहे हैं और हमेशा रहेगा। अब सीनियर एडवोकेट हैं महेश्वरी जी, एक ही परेशानी है विपुल जी, मैं आ रहा हूं छोटा सा सुन लीजिए। हाँ, मुझे एक ही परेशानी है, वो ये है कि पूरे चुनाव के वक्त बात हुई थी विकास की, अब वो विकास हो नहीं रहा है तो फिर हम राम मंदिर पे आ गए हैं, फिर हम 370 पे आ गए हैं, फिर हम इन चीजों पे आ गए हैं जिनका जिक्र होना भी नहीं चाहिए और जिनका जिक्र इस वक्त जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे सामने बड़े गंभीर विकास के और जिंदा रहने के जो मुद्दे हैं वो ये हैं और ये डाइवर्जन्स हैं। इन डाइवर्जन्स को बीजेपी के प्रेसिडेंट को नहीं बोलना चाहिए। विकास के प्रति कटवदता है, रहेगी और वो दिखेगी और दिख भी रही है आपको। और अभी आपको पढ़ के भी कुछ बोलना चाहते हैं? अनहोली अलायंस का नतीजा है, जिनकी मजबूरी है जम्मू कश्मीर में, इन्होंने अनहोली अलायंस किया है तो 370 पे इन्हें यूटर्न लेना पड़ेगा, उसकी वजह ये है। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, अभी राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा कि साहब हमारी राज्यसभा में हमारे पास वोट कम है, तो ये बहाने हैं इनके उसको टालने के लिए, पब्लिक का बेवकूफ बनाने के लिए और कुछ नहीं। पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हैं आप रमेश जी, कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। देखिए, पब्लिक का बेवकूफ तो किसने बनाया, और इसीलिए कांग्रेस के लोगों की हालत जो क्या हुई, हम बेवकूफ न तब बनाया ना आज। कमिटमेंट के पक्के तब भी थे, कमिटमेंट के पक्के आज भी हैं, जो कहते हैं वही करते हैं हम लोग। 125 करोड़ का जो देश है, सबको साथ चलना, सबका विकास है, हर मजहब हर उसका वो है। और जिसमें जो जो, जो मंदिर वाली बात थी वो आस्था तब भी थी, आस्था आज भी है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन देश में एक भारतीय संविधान है, संविधान का और पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को तोड़ करके सरकार चाहे तो क्यों नहीं कह सकती है उस पर कि भाई इस पर जो है काफी तेजी के साथ सुनवाई हो, जल्दी फैसला आए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हमारे यहाँ जुडिशियली इंडिपेंडेंट पोजीशन में है, इंटरफेरेंस का कोई सिस्टम नहीं है, जुडिशियली को इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। तो मतलब इस मुद्दे पर अभी फिलहाल बीजेपी शांत रहेगी? नहीं, शांत क्या, अगर हमको मैंडेट मिलेगा तो हम इसे करेंगे। 370 सांसद आएंगे तब करेंगे, तो जल्दी इलेक्शन हो जाएगा। पार्लियामेंट का सिस्टम को तोड़ दे। कल हमने बात छोटी सी है, कल हमने छोटी सी शुरुआत देखी 1975 में, हमने कल एक बड़ी छोटी सी शुरुआत देखी मथुरा में माननीय प्रधानमंत्री जी की बैठक में, हंगामा हुआ की मीटिंग में, इसका प्रसिद्ध पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म स्थल पर कल माननीय प्रधानमंत्री का विरोध हुआ। ये शुरुआत है और ये शुरुआत और उग्र रूप धारण करता जाएगा इनके झूठे वायदों के कारण। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील चोपड़ा जी, इनको सबक सिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील चोपड़ा जी, रमेश चंद जी आपका, माहेश्वरी जी आपका, रामाधार जी आपका, इस कार्यक्रम में धन्यवाद, बहुत अच्छी और बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल घटनाचक्र को यहीं समेटते हैं और आप तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जैन टीवी। फिलहाल के लिए नमस्कार।